नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं लाया हूँ किसान भाइयों आपके लिए, जिन भाइयों ने आलू लगाया है उन्होंने अपनी फसल पर, आलू की मेड़ों पर जो है मिट्टी लगानी है उसका काम कैसे करना है। तो आज मैं अपने खेत में मेड़ों पर मिट्टी लगवा रहा था, तो इसीलिए आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से काम करवा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, ये मेरी आलू की फसल है और जो कि अभी खेत में नमी है, जो एक बार बिल्कुल सेट हो चुकी है, अपने फावड़े से या ट्रैक्टर की मदद से भी अपने मिट्टी लगवा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर ट्रैक्टर के वाली मशीन की कोई उपलब्धता नहीं थी। इस कारण मैं यहाँ लेबर से ही, फावड़े से ही करवाऊँगा। तो ये थोड़ा सा अभी काम स्टार्ट किया था तो लेबर अभी लंच करने गई है, वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, अभी स्टार्ट किया ही था तो मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, इसमें जो मिट्टी लगाने के फ़ायदे हैं वो बहुत हो जाते हैं। आलू की फसल है, जो मिट्टी लग जाती है तो मेड़ें अच्छी से मोटी हो जाती हैं। आलू है जो वो बाहर नहीं दिखाई देता, अच्छे से मिट्टी में ढक जाता है, जिससे आलू का विकास अच्छे से होता है। और 2 बार सिंचाई होने के बाद जो मेड़े होती हैं वो काफ़ी कठोर हो जाती हैं, आलू को फूलने में उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जिसके कारण अपने को मेड़ों पर मिट्टी लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो मिट्टी लगाने के भी 2 तरीके हैं, आप ट्रैक्टर द्वारा जो पीछे हल आते हैं मिट्टी लगाने वाले उससे लगवा सकते हो, या लेबर से फावड़े से लगवा सकते हो। तो आलू की फसल में मिट्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी फसल की हाइट इतनी हो चुकी है जितनी कि ये मेरे खेत में है, तो आप मिट्टी लगवा दें, और मिट्टी लगवाने के बाद आप जो खाद प्रबंधन करके अपना, और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो आपकी फसल एकदम बढ़िया से चलेगी, अच्छी हाइट ले लेगी और आलू अच्छे से बनना तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें किसान भाइयों, ये मेड़ों पर मिट्टी लगवाने के बाद यूरिया DAP का छिड़काव करूंगा इसमें, और फॉलियर में मैं कोई सा भी जो PGR होता है वो डाल लेंगे। तो उसकी वीडियो मैं जो है फिर बनाऊंगा जिस दिन मैं डालूंगा। तो ये मिट्टी आज लगवा रहे थे तो सोचा कि आपको भी चलो अपने खेत में जो काम चल रहा है उसके बारे में बता दूं, तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपकी फसल भी इस तरह की हो चुकी है तो खेत में नमी थोड़ा सा है, तो आप जल्दी से मिट्टी लगवा लें, और उसके बाद सर्दी कोहरे का जो है वो थोड़ा सा, अब सर्दी बढ़ने के कारण कोहरा भी छाएगा तो जिससे कि फसल को नुकसान नहीं होगा, मेड़ पर मिट्टी लग जाएगी, खाद डल जाएगी और सिंचाई हो जाएगी, तो फसल जल्दी से कोहरे की मार में नहीं आएगी। तो आप भी अपनी फसल का ध्यान रखें किसान भाइयों। तो ये थी आज की, मेड़ों पर मिट्टी कैसे लगाएं आलू की फसल में, पूरी डिटेल में वीडियो। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर दिया करो किसान भाइयों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी और फसल की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डाल देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय किसान भाइयों।